चलिए हमने वुजू कर लिया है, अब पढ़ते जैसे मैंने कहा कि सुन्नत हम यहाँ पे ही पढ़ेंगे, तो सुन्नत यहाँ पे पढ़ेंगे फिर मस्जिद की ओर चलेंगे। बैक टू माई यूट्यूब चैनल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे लोग। अल्लाह ताला आप सब लोग को सलामत रखे और मुझे भी। आज फ्राइडे है तो आज का दिन जो है बहुत स्पेशल है। वैसे हर एक दिन स्पेशल ही होता है लेकिन आज उससे भी ज्यादा स्पेशल डे है। हमने जो इस साल का 2024 का एक टाइम टेबल बनाया है उसके मुताबिक हम चलते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसे हमने अपना टाइम टेबल जो है क्रिएट किया है, बनाया है, वो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में जाए। और मैं डेली व्लॉगिंग रूटीन का जो ये लिंक है वो मैंने रख दी है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसको चेक कर ले। तो आज फ्राइडे है, आज का जो डेली रूटीन का मॉर्निंग होता है हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेली रूटीन। 7 बजे से हमारी स्टार्टिंग होती है, फिर शॉवर लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज फ्राइडे है तो उसकी वजह से मैंने कमरे की जो है अच्छी तरह सफाई की है एंड स्टडी भी मेरी कंप्लीट हो गई है। फ्राइडे को मैं सबसे ज्यादा साफ कपड़े पहनता हूँ, जो मुझे लगता है कि सबसे साफ कपड़े हैं वो मुझे पहनने चाहिए। तो मैंने कुछ कपड़े रखे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन से कपड़े मैंने उसके लिए रखे हैं। देख लीजिए, ये कपड़े मैंने आज पहने हैं। ये कपड़े मुझे लगे कि बहुत ज्यादा साफ है ये कपड़े, तो मुझे आज फ्राइडे के दिन पहनना चाहिए। स्वेट शर्ट ये वाली जो है मुझे एक्चुअली एक दोस्त ने गिफ्ट की थी जो मुंबई का है, उसका नाम है उज्ज्वल। सो उसने मुझे बर्थडे पे ये गिफ्ट की थी तो मुझे लगा आज ये पहनना चाहिए क्योंकि ये सबसे अच्छी है एंड मेरी फेवरेट भी है ये, एंड दोस्ती में दी गई है तो सबसे अच्छी ही होगी। सो आज मैं इसको पहन लेता हूँ। और एक खास बात, प्लीज एंड प्लीज मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, अपने फेसबुक पेज पे जो है ये अपनी डेली व्लॉगिंग की वीडियोस अपलोड करता हूँ जो कि 1.5 मिनट के होते हैं। प्लीज आप मेरे लिए उन शॉर्ट व्लॉग्स को क्या है शेयर करें, जितना आप शेयर करोगे उतना ही मेरी चैनल जो है ग्रो हो जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल का मतलब यही है कि मैं हमने डेली रूटीन का एक सेशन बना लिया है इस 2024 का, जिसमें हम काम करेंगे, जिसमें हम पढ़ाई से हर एक काम का एक अलग अलग टाइम टेबल जो हमने बना के रखा है कि कैसे हम अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे, कैसे हम अपने साथ अपने काम को मैनेज करेंगे एंड अपने काम को आसान तरीके से किया करेंगे। बस आप मुझे सपोर्ट करें, जब भी आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके सामने बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें रखूंगा जिससे आप भी मोटिवेट हो जाओगे एंड मैं भी आपके थ्रू जो है इस चैनल को ग्रो कर सकूंगा। आपके बगैर, आपके सपोर्ट के बगैर ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता फिर, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। आप देखिए, जो कहते हैं कि अपनी लाइफ में हमें समझ भी नहीं आता है किस टाइम क्या करेंगे, किस टाइम क्या नहीं करेंगे, हम दिन बड़ा ही नहीं हो रहा है, बहुत दिन शॉर्ट हो रहा है, हमें बहुत सारे काम स्पेंडिंग रहते हैं, हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, तो ये ब्लॉगिंग चैनल जो है मैंने उसी के लिए क्रिएट की है। ये आज मैंने जो सेशन 2024 का स्टार्ट किया है डेली ब्लॉगिंग रूटीन को लेकर के, ये मैंने इसी के लिए किया है कि हम दिन भर जो सारे टास्क सम होते हैं वो कैसे मैनेज करें, हम अपना काम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने जो ये डेली ब्लॉगिंग रूटीन जिसमें हम सीखते हैं हमें स्टडी किस टाइम करनी चाहिए, हमने सुबह सुबह किस टाइम उठना है, हमें ब्रेकफास्ट किस टाइम करना है एंड हमारे सारे काम है वो किस किस टाइम हमें करने पड़ेंगे, अपने आप को भी किस टाइम जो है टाइम देना है कि हम घूम सकते हैं, हम चाहे क्रिकेट खेलेंगे या चाहे वगैरह वगैरह जो भी हम लाइफ में कर पाते हैं उसका एक टाइम टेबल होता है, उसके हिसाब से लाइफ को जीना होता है। कि मैंने ये 2024 का एक टाइम टेबल बनाया है, टास्क मैंने रखे हैं जो कि पढ़ाई को लेकर के टास्क है, जो कि घूमने को लेकर के टास्क है, जो कि घर के काम करने के टास्क है, बहुत सारे ऐसे टास्क है। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता है अभी भी कि हमारी मॉर्निंग किस टाइम स्टार्ट होती है, किस टाइम हम मॉर्निंग को स्टार्ट करते हैं, वो प्लीज मेरे ब्लॉग वीडियो को देखें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक पहले से ही दे के रखी है, आप चेक कर सकते हो एंड उसके हिसाब से आपको फिर समझ आएगा कि किस टाइम हमारी मॉर्निंग होती है, किस टाइम हम उठते हैं एंड किस टाइम हम स्टार्ट करते हैं, फिर स्टडी चाहे करना होता है चाहे घर का काम करना होता है, तो हमारा जो दिन भर का ये शेड्यूल होता है वो बहुत अच्छा रहता है एंड हमारी दिन भर का काम सारे कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि हमारा दिन जो है बहुत छोटा पड़ रहा है, हमें सारे काम जो है हम पेंडिंग रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप मेरे ब्लॉग्स को क्या है जितना हो सके उतना शेयर कीजिए क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतनी ही मैं आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसे रखूंगा जिससे आप मोटिवेट हो जाओगे। और एक खास बात मैं चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोला करो कि कहाँ पे मुझे गलती होती है, कौन कौन सी चीज मुझे ऐड करनी चाहिए इस टाइम टेबल में, मुझे आप लोगों का
बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेरे व्लॉग्स को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो आज फ्राइडे है, तैयारी करते हैं, फ्राइडे की नमाज पढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं वजू करके आता हूँ। एंड आज हम सुन्नत घर पे पढ़ेंगे एंड फिर जाएंगे मस्जिद, क्योंकि मैं मस्जिद में ही सुन्नत पढ़ लेता, लेकिन वहां पे खुतबा जो होता है फिर टाइम नहीं मिलता उतना खुतबा सुनने के लिए। तो आप जब जाओ बहुत टाइम पहले ही जाओ, ये उसके अच्छे रिवार्ड्स आपको मिलते हैं। मैं वजू कर लेता हूँ, यहाँ पे सुन्नत पढ़ेंगे एंड फिर हम मस्जिद की ओर चलेंगे। चलिए हमने वुजू कर लिया है, अब पढ़ते, जैसे मैंने कहा कि सुन्नत हम यहाँ पे ही पढ़ेंगे, तो सुन्नत यहाँ पे पढ़ेंगे फिर मस्जिद की ओर चलेंगे। फिर पढ़ लिया हमने सुन्नत यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि हम घर पे सुन्नत पढ़ेंगे एंड फिर जाएंगे मस्जिद पे नमाज़ पढ़ने, क्योंकि खुतबा भी स्टार्ट हो रहा है अब। तो चलते जल्दी चले, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी नमाज़ पढ़ी होगी। सो हमारे लिए दुआ करें, मुझे यहाँ पे व्लॉग एंड करना पड़ेगा, मुझे उम्मीद है कि आपने भी नमाज़ पढ़ी होगी। सो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, कल वाले रूटीन में, जिसमें हम बहुत सारे कल बहुत सारे काम करने हैं, आप भी सीख जाओगे एंड मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से टाइम पर कौन कौन सा काम किया जाता है। सो दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।